हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। भाई बहन के शायद फर्स्ट दिवाली। मैं थप्पड़ मार दूंगी चल। और चीकू का कोई गिफ्ट ना लाए तो वो उस घर में नहीं आ सकता। इसमें एक और पैकिंग, इतनी पैकिंग करवा के लेकर आयो? बच्चा हूँ क्या मैं 2 साल का? तो बुढ़ा हो गया है क्या? तो बुढ़े वाले काम कर चल। वाओ चीकू ये तो बहुत अच्छा है। गेली 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 तेरे पापा तेरे बाबा। कोई भी शर्म है? तोड़ देता खड़ा उससे। सारा गंद फैलाया हुआ है यहाँ पर, कौन साफ करेगा ये? मम्मा मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं उठ चुकी हूँ और मैंने सोचा की आज सुबह से, जैसे पहले मैं आपको रूटीन दिखाती थी कि सुबह उठते मैं क्या करती हूँ, तो सबसे पहले मैं उठ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ चीकू के लिए मैक्रोनी बनाने, क्योंकि उसने बोला था कि मम्मा मुझे कल मैक्रोनी चाहिए, तो मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ और दिखाती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने अपने बादाम भी छील दिए चीकू के लिए, जो उसे लंच लेके जाने, साथ में बनाना भी रख दिया है। और ये जो मैं लेके आई थी ना बॉक्स, किसी का कमेंट आया था मेरे पास ना, तो ये बॉक्स जो है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। आप लोगों को भी भेजना चाहिए, अगर आपके बच्चे बनाना खाते हैं तो स्कूल में ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा होता। कल वो बनाना खाना भूल गया था, पर आज मैंने उसको बोला है कि उसे खाना ही खाना है। चीकू चीकू उठो बेटी, स्कूल जाना, चलो 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 चलो, उठो 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 मेरी जान, उठो मेरी जान, चलो 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 चलो, खड़ो बेटी। बाबू मैक्रोनी बनाई आज मैंने लंच में, खड़ी हो बेटी। तो यहाँ जो है मैंने लंच जो है पैक कर दिया है, चीकू का सिर्फ नहाना रह गया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं पहनने वाला स्कूल में गर्मियों की टी शर्ट और गर्मियों की कच्छा। पहन चुके हो ऑलरेडी? और ये क्या खा रहे हो आप? बादाम। मम्मा ने छील के दिए इसे सुबह सुबह बादाम, क्योंकि बादाम बहुत हेल्दी होते हैं, आपको भी खाने चाहिए जो भी देख रहे हैं चीकू का व्लॉग। मम्मा हाँ जी, मैंने खुद रात को ये कह रहे थे, भिगोए थे ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको सुबह स्कूल जाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तो गाइस आप मेरे व्लॉग देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, और आप स्किप मत करा करो क्योंकि बहुत इंटरटेनिंग होती है आगे आगे इंटरटेनिंग होती है। देखो आपका जो लंच बॉक्स का ये बैग है ना, ये मैं सोच रही हूँ चेंज कर दूँ, थोड़ा खराब हो गया है। कोई बात नहीं, चलेगा अभी? हाँ। चला लोगे आप? और कल बनाना नहीं खा के आए थे, आज बनाना खा के आना, ठीक है? प्रॉमिस। जब तक ये फटता नहीं ना, जब तक चल रहा है तब तक चलाओगे आप? वेरी गुड, गुड बॉय। आपकी वाटर बॉटल? ओके बाय बाय, लव यू, बाय लव यू। अच्छे से स्टडी करना, ठीक है? बहुत गुड बॉय हो गया, ऐसे गुड बॉय बन के रहना, ठीक है? आपको कोई टीज करेगा मैं मैम को फोन कर दूंगी, ठीक है? ओके। तो चीकू जा चुका है स्कूल, और टीज की बात क्या थी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, उसके बाल थोड़े बड़े हैं, तो उसको स्कूल में ना लड़की बोल रहे थे बच्चे, और चीकू के पापा ना उसके बाल लंबे करना चाहते हैं। उनको ना बहुत पसंद है कि चीकू के बाल जो है वो लंबे लंबे हो, क्योंकि उनके बाल की ग्रोथ अब इतनी होती ही नहीं है, और वो चाहते थे कि उनके बाल वैसे हों, पर चीकू के बाल वैसे हो रहे हैं जैसे वो चाहते थे। तो है ना, बीच में भी हमने उसके बाल 2-3 बार कटवा दिए थे, और उस पर ना यही वाले जो लंबे बाल है ना वही सूट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे को कह रहा था मम्मा मेरे बाल कटवा दो, मेरे को लो स्कूल में टीज करते हैं। मैंने कहा बेटा मैं स्कूल में बात कर लूंगी, आप ये हेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और उसको खुद को भी अच्छे लगते हैं, खुद भी नहीं कटवाना पड़ता चाहता, पर ना लोग बच्चे बोलते हैं ना तो वो कहते हैं मम्मा कटवा दो। और सच में ना चीकू अब इतना ज़्यादा समझदार हो गया है, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे समझदार होता जा रहा है, अपने बहन भाइयों को इतना प्यार करता है, उनकी इतनी केयर करता है। बस और क्या चाहिए, बच्चे जो हैं बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, जिद छोड़ दें, और माँ बाप को क्या चाहिए। कल हम लोग पार्टी में गए थे तब भी चीकू ट्यूशन भी गया था, फिर उसने घर पे अपने भाई बहन के साथ खेला, नीचे भी खेल के आया। तो बस अब चीकू जा चुका है स्कूल, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर मैं सो जाऊँ, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम करने। एक तो मेरे नेल्स जो है उनकी नेल पेंट चेंज करानी है। हैप्पी दिवाली गाइस, मेरे सारे फर्स्ट दिवाली, भाई बहन के शायद फर्स्ट दिवाली। अब क्या पहनोगे दिवाली पे, लहंगा या शूज? तेरे मारने वाली ट्यूशन चल रहा था, चीकू पिटेगा मेरे से तू। मैं थप्पड़ मार दूंगी चल। तो गाइज यहाँ पे आए हैं 3 गिफ्ट, 4 गिफ्ट, 4 गिफ्ट में से एक तो पता ही आपको चीकू का है, और चीकू का कोई गिफ्ट ना लाए तो वो उस घर में नहीं आ सकता, ठीक है? और मेरी बात है, अभी बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है? तो बच्चों की भी टाइम पास मत करो, टाइम पास मेरे को कर, अनबॉक्सिंग कर ले। ये बच्चों का है, ये बच्चों, अच्छा यही तो ढूंढ रही थी गोलू, गोलू यही तो ढूंढ रही थी। ये टॉय ना गाइज हमारे पास आया था, और ना मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया कहाँ नहीं रखा। मैं ना ऐसे ही करती हूँ, कोई चीज़ ना इतनी ज़्यादा संभाल के रख देती हूँ कि वो चीज़ आगे मिलती ही नहीं है। तो मैंने एक ना वीडियो बनाई थी बच्चों वाली ना, टेल के लेके उसमें लेके ये यूज़ किया था मैंने, और उस दिन के बाद वो मिला ही नहीं। ओ शायद निक्की ने ब्लॉग देखा होगा, निक्की को पता होगा ये चाहिए है।
मैंने देखा था तभी मैं गिफ्ट लेके आई। दूसरा खोलते है, दूसरे में क्या है? इसमें एक और पैकिंग। कितनी पैकिंग करवा के लेके आयो? बार्बी गर्ल। ये है तुबा का गिफ्ट। वाह, तुबा की पहली बार। चीकू का अपने गिफ्ट की वो है, पूरा नहीं खोल रहा, कह रहा है मेरी है ही नहीं। तुबा की पहली बार भी डॉल। हाँ, और मुझे लगता है वाश करेगी। ये तो मेरा है, हल्का है। ये तो हल्का है, ये तो मेरा है। थ्री प्लस की है सिक्स की है, थ्री प्लस हमारी सिक्स है। कुछ लो लो, इसके तो मुंह से खा लो। क्या है मेरा ये किसका है? ये प्यार से कोई तेरे को अगर एक टॉफी भी ला के देना चीकू, उसकी पता कितनी इंपॉर्टेंस होती है। सुबह इतनी तू समझदारी वाली बात कर रहा था, अभी तूने ऐसे बेवकूफ वाली बात की है। तेरे को समझा समझा के मैं पागल हो गई हूँ। अब एक काम कर, जब तेरा सुन नहीं था, सुन सुन, जब ये गिफ्ट तेरे काम का ही नहीं है तो ये मैं गिफ्ट किसी बच्चे को दे दूंगी जिसके काम। वाह चीकू, ये तो बहुत अच्छा है। तो तू बुढ़ा हो गया है क्या? बुढ़ा हो गया। तो बुढ़े वाले काम कर चल, बच्चे तो बहुत खुश होंगे। अल्ले वाह, बड़ा चुंदर है भाई, बड़ा चुंदर डॉगी है। तो यहाँ पे गाइस हम सबसे पहले तुबा रानी को बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तुबा है अभी हमारे पास। तुबा बैठेगी नए नए झूले में। पता नहीं पायल कितना शांति, वापस कितना अच्छा था ना ये। हाँ, पायल वही बता रही है बड़ा नहीं शांति, किसी ने तोड़ा नहीं। पायल ने एक बार एक एड बनाई थी अयान के साथ, वो ना पायल ने खोया नहीं है, पायल ने के संभाल के रखा। पता कब मिलेगा वो? हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब वो मिलेगा और फिर हम बोलेंगे क्या करें इसका, इसका कागल है हम। तो गाइस यहाँ पे हमारी टूबू बैठ गई है भाई, इसमें गेली गेली गलेगी, गेली गेली गलेगी, खुशी खुशी मिलेगी। तीनों को वन बाय वन करेंगे, वन बाय वन करेंगे, क्योंकि गाइस हम तीन तीन नहीं ले सकते। क्या करेंगे? और जगह है, जगह है। अच्छा याद है पायल, एक चीज याद है, जब ना गाइस पायल ना बेबी को घर पे लेकर आई थी ना, तुबा और अयान को, तो मैंने यहाँ पे ना झूले रख दिए थे। तो यहाँ पर देखा एक झूला पड़ा, दो पड़ा, जैद के लिए रख देते। तो तीन झूलों की वजह से ना जगह नहीं थी पायल हमारी, मतलब इतना बड़ा बेड पे भी। पापा तेरे बाबा, तेरे भी बाबा, तेरी बाबा, मजा आ रहा है। गोलू ये दोनों तो आ गए इसमें। हाँ अभी जैद ना वो खा रहा है सेरेलेक, जब वो आ जाएगा तो इन दोनों को हटा के जैदू को रखेंगे हम यहाँ पे, जैदू को रखेंगे। अयान टॉय पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये चिड़िया पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पकड़ लो बेटी, पकड़ लो। ये नहीं पकड़ती अभी कुछ भी ना तुबा। नहीं तुबा खेलती है पर पकड़ती नहीं। पर तुबा फिर आवाज भी निकालती है मुंह से, ये आवाज कम निकालते हैं। हाँ ये बात भी सही है। ये जो है ये टॉकटिव है और ये एक्टिव है। ये लोग इनकी कैचिंग करने की पावर बहुत, वो कहते हैं रिएक्टिव है। भाई पे भाई तो ऊपर लातों लगता है भाई। ये आवाज क्यों नहीं मिल रहा? मुझे सुनाई नहीं दे रही, मुझे सुनाई नहीं दे रही आवाज। तू जम से चलाएगी तभी तो सुनाई देगी। मुझे तो सिर्फ आंखें। ये मैंने ना बच्चों के लिए एक नई रेसिपी निकाली। मैं हर दिन ना ट्राई करती हूँ नई रेसिपी निकालने का, क्योंकि ना मैंने इंस्टाग्राम पे एक पीडियाट्रिक डॉक्टर उनको फॉलो करा हुआ है। तो वो क्या कहते हैं कि ये एक ना एज होती है, मतलब ये टाइम होता है ना बच्चों को हर एक थ्योरी हर एक चीज ट्राई कराओ। तो आज मैंने बच्चों को ना पहली बार पोहा साथ में खजूर और इलायची पाउडर ये ट्राई किया। तो जैद अयान तुबा सबने थोड़ा थोड़ा खाया, बट शौक से नहीं खाया, बट टेस्ट करा है। और मैंने तेको क्या बताया था? तो गाइस मैंने उसको बोला कि मैंने कहा अभी ना वो मत कर, एक्सपेरिमेंट्स मत कर, बच्चे को बच्चा जो खा रहा है ना उसको वही खिला। तो मैंने इनको खिचड़ी जो है हल्की हल्की बिल्कुल लिक्विड जैसी बना के खिलाई थी कल, तो वो इन्होंने खा ली थी। तो मैंने कहा अभी नहीं करेंगे, ये बस एक महीने बाद। जैसे ये फ्रूट्स तो खा लेते हैं, जैसे इनको ना बच्चों को क्या पसंद है, एप्पल प्यूरी, बनाना प्यूरी, पियर्स प्यूरी, ये सारी प्यूरी खा लेती है। क्या है बोलो क्या है? कैरी मेरे को क्या पहन रही हूँ कल मैं करूँ सस्ते? आपका थोड़ी फास्ट है। नहीं तो ये कह रही है कि मम्मा जब रेडी होती है तो वो लड़कियों को होता नहीं कि मम्मा नया सूट पहन रहे हैं। जब बड़ी होगी ना आंटी तो ऐसे करेगी कि आपने नया सूट पहना तो मैं भी पहनूंगी, वैसे करेगी बड़ों। ठीक है देख लेंगे। अयान है पता है, अयान की आदत है ये सबसे छीनता है चीजें। कोई भी शर्म है? तोड़ देता खड़ा उससे। इस बात की शर्म नहीं कह रही थी मैं? और खड़ा हो जाओ, इधर आ जाओ। इसको तो दिखेगा नहीं, मेरे को दिखता है। हाँ समझ गया ना, इसके लिए अभी मैंने
किंडर जॉय लेके आई हूँ, इसके पापा ने ऐसे मना करा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़े टाइम से खाए नहीं लड़के ने, सारा गंद फैलाया हुआ है यहाँ पर। कौन साफ करेगा ये? मम्मा। हाँ जी। अच्छा मम्मा देखो ये टॉयलेट। अच्छा ये जेट और है वो एस्ट्रोनॉट। तो आप अभी मुझे कह रहे थे ना कि मैट ले आओ, है मैट बिछा दे नीचे जो आप पिछली प्रेगनेंसी में लेके आए थे, तो उसपे क्या कबूतर ने अपने ना पहले अंडे रखे हुए थे। हम बहुत टाइम तक वेट कर रहे हैं कि बच्चे आएंगे, अब बच्चे आ गए, तो जब बच्चे ना उड़ने लग जाएंगे ना, तो मैंने और पानी ने तब सोचा कि हम तब उसको उठाएंगे और फिर उसके बाद ड्राइक्लीन करा के फिर बिछाएंगे। हाँ तो अब मैं खिला बाबू। नहीं मत खिला चीकू, छोटी है वो। नहीं ऐसे चीकू नहीं, थोड़ा सा टेस्ट मैं करा दूंगी। मैं टेस्ट कर चीकू, मैं टेस्ट करा दूंगी, छोटी है। तो पूरा पूरा मांग रही है। कल स्कूल की छुट्टी है कि नहीं? है छुट्टी कल मेरे को। मैंने आपकी मैम को कॉल किया, मैम ने भी उठाया नहीं, कंफर्म नहीं है मुझे। चीकू ने मुझे कहा था कि मम्मा आज भी स्कूल की छुट्टी, आज स्कूल की छुट्टी नहीं थी। और चीकू जब भी बोलते हैं स्कूल की छुट्टी, मुझे इस पे यकीन नहीं होता। मम्मा मम्मा को यकीन नहीं है। मैम फोन उठाई बेटी, फिर मैम से बात कर ले। सावर खा गया चीकू आज ही, तू पूरा किंडर का डब्बा। मुझे एक मोर नहीं खाया पैकेट। अच्छा पापा गुस्सा करेंगे, पता चल गया तो मारेंगे देखो मेरे को दोनों को। इस लड़के को मोटा करने का तेरा जिम्मा होता है। वो एक पुपड़ी मुंह साफ कर ले। यहाँ पे ना चाबू भी बहन खिला रहे तू भी बाबू को। सुंदरा बुंदरा खेल रहा मेरा और आज ना चीकू ने मुझसे इतनी डांट खाई ना, क्योंकि मैंने अपने सरगी का सूट ना पहले से ना प्रेस करा के रख लिया था मेरा और पायल का, और इस लड़के ने गलती से कोल्ड ड्रिंक गिर दी और मेरे सरगी वाले सूट पे लग गया दाग। डांट खाई और बिना खाना खाए सो गया। तो बस चीकू का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।